IRCTC एक पूरा पूरा एक सस्पेंस और थ्रिलर मूवी की तरह बन गया है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से परेशान करके रखा है एकदम। जो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट है, छोटे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट है, उनकी तो एकदम ही हालत ख़राब है दोस्तों। तो आज हम जानेंगे IRCTC की पूरी मूवी के स्क्रिप्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक पूरी की पूरी मूवी है जिसमें ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी दोस्तों। जिन्हें भी लग रहा है कि IRCTC में ये सब अचानक हुआ है, ऐसा सब कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट थी जिसको मैं पूरा का पूरा कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने का दोस्तों। देखिए स्क्रीन के ऊपर आते हैं, पहले जानते हैं IRCTC के में अभी फ़िलहाल में क्या क्या हुआ है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं NSE की वेबसाइट के ऊपर हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं IRCTC 28 अक्टूबर को स्प्लिट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हम देखें 27 अक्टूबर को IRCTC की क्लोजिंग क्या थी, 4130 स्टॉक अपने 6000 के लेवल से करेक्ट होते 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 4130 पे आके रुका था 27 अक्टूबर को दोस्तों। ठीक है, और फिर अगले दिन जब खुलता है, जब स्प्लिट हो जाता है 28 अक्टूबर जब ये खुलता है तो 817 पे खुलता है, हाई बनाता है 983 का, लो बनाता है 810 का दोस्तों। अब क्लोज होता है 913 पे, मतलब बहुत ही अच्छे पॉजिटिव नोट पे ही क्लोज होता है दोस्तों, कि ओपन 817 पे हुआ, क्लोज 913 पे हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे है ना, यहाँ पे गेम हुआ है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त गेम हुआ है दोस्तों। आगे की स्टोरी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या हुआ। मार्केट क्लोज होने के बाद मींस 28 अक्टूबर की जैसे मार्केट क्लोज होती है, एक न्यूज़ बाहर आती है जिसमें का न्यूज़ होती है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है वो IRCTC के साथ अपने कन्वीनियंस फी का, मीन जो भी आप टिकट लेते हैं ना, जैसे आप 350 की टिकट लेते हैं उसके अंदर एक कन्वीनियंस फी होती है 17 रुपये की, 20 रुपये की, डिपेंड करता है कि वो कन्वीनियंस फी कितनी होगी हर टिकट के क्लास के हिसाब से। तो वो रेवेन्यू का जो पार्ट है ना, वो IRCTC 50-50 करेगी। मीन्स अगर IRCTC का आप बैलेंस शीट देखोगे, उसमें जैसे एक एग्जाम्पल कि 500 करोड़ का रेवेन्यू आया IRCTC को कन्वीनियंस फीस है, आप समझो कन्वीनियंस फीस है। IRCTC के और भी बिजनेस है, कैटरिंग है, फिर उनका रेल नीर है, वो सब छोड़ दो, सिर्फ टिकटिंग जो होता है ना, ई टिकटिंग, उसके ई टिकटिंग में से कन्वीनियंस फी जो मिलता है, ठीक है, तो उसमें से 500 करोड़ अगर आया बाय एग्जांपल, तो 250 करोड़ गवर्नमेंट खुद के साथ शेयर करेगी। ये न्यूज़ कब आता है दोस्तों, 3:30 बजे आता है, मार्केट आफ्टर क्लोजिंग और 28 अक्टूबर। मीन ये पूरा का पूरा एक प्री प्लान्ड था, क्योंकि मार्केट के बीच में अगर ये न्यूज़ दे देते और या पहले दे देते, लोग इससे एग्जिट हो जाते, इसमें से इंटरेस्ट निकल जाता IRCTC के, इसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स का, तो 3:30 बजे के बाद ये न्यूज़ है। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट जो पड़ा, अगले दिन ये स्टॉक ओपन हुआ 822 पे 29 अक्टूबर को, और इसने लो बना दिया 639 का, अब क्लोज हुआ 845 पे दोस्तों। अब ये पूरा जो इवेंट है ना दोस्तों, ये ऐसा अचानक नहीं हुआ है, ये पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट है IRCTC को इस चीज के लिए, ये चीज करने के लिए पूरा बहुत समय से तैयार किया जा रहा था। अब मैं ये स्क्रिप्ट पूरा आपको समझाता हूं दोस्तों, हमारे नोटपैड के ऊपर आएंगे इधर हम, ठीक है, यहां मैं ऊपर से आपको दिखाता हूं, होप कि आपको स्क्रीन बराबर दिख रहा होगा। क्या चल रहा था, IRCTC मोनोपोली का मतलब क्या है, हमें समझना है कि कोई भी दूसरा प्लेयर इसके बिजनेस में नहीं है, एक सिंगल एक अकेला लौता है। लेकिन दोस्तों यहां हम सबको एक समझने वाली बात यह थी, IRCTC कोई प्राइवेट मोनोपोली नहीं था, कि कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, IRCTC गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मोनोपोली है। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मोनोपोली में गवर्नमेंट जब चाहे, गवर्नमेंट का इसमें स्टेक अराउंड 67-87% है, तो गवर्नमेंट इसकी मालिक है, गवर्नमेंट जब चाहे अपनी कोई पॉलिसी को चेंज करके, इसका जो मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इसका, इसे चेंज कर सकता है इसको। सेम टू सेम चीज वही हुआ, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी ला, तो IRCTC मोनोपोली है, इसकी एक न्यूज, इसका एक फोबिया बनता रहा जब से IRCTC लॉन्च हुआ है दोस्तों। ये फोबिया
जब ये हमारा लॉकडाउन आया, इसमें बहुत से नए डीमार्ट अकाउंट खुले, वो भी जुड़ गए इस फोबिया। नए लोग बेचारे जिनको नहीं नॉलेज थी उनको इसके अंदर कुछ नहीं। मेरे प्रीवियस वीडियो आप उठा के देखो IRCTC के, मैंने भी कहा है IRCTC मोनोपोली, लेकिन हमेशा वीडियो के एंडिंग में या बीच में मैंने कहा है IRCTC को हमें कब बेचना है, इससे कब निकल, जब इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज निकल जाए, इसका मोनोपोली एडवांटेज निकल जाए, इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर आ जाए या गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर दे कि IRCTC का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एकदम से निकल गया। ये मैंने हमेशा कहा। PSU स्टॉक मुझे कभी भी पसंद नहीं है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल होता है। एक IRCTC पसंद इसलिए था, देखिए मैं था बोल रहा हूं, है नहीं, मैं आखिरी में अपना भी एक डिसीजन आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूं, आप लोग इंडिपेंडेंट हो अपना डिसीजन लेने के लिए। तो IRCTC का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैंने हमेशा कहा इससे निकल जाना है जब इसका खत्म होगा। आप लोगों को क्या करना है आप लोग देखिए, मैं सिर्फ आपको एक एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूं। अब अगर हम यहां पर आते हैं इस पॉइंट के ऊपर, सेकेंड क्या है, न्यूज बेस IRCTC अप। IRCTC आप लोग एक नोटिस कीजिए, पिछले अराउंड 6 महीना 1 साल भी हर एक न्यूज, छोटी छोटी न्यूज भी IRCTC की बाहर आती थी। IRCTC ने ये लॉन्च कर दिया, IRCTC ने ये कर दिया, IRCTC ये ट्रेंड चलाएगी, मीन IRCTC में नेगेटिव सेंटीमेंट बनने ही नहीं दिया जा रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, छोटे इन्वेस्टर्स है, ये इसे खरीदने के लिए दौड़ रहे थे कि पकड़ लो नहीं तो IRCTC गिर जाएगा। अब इस पकड़ने के चक्कर में क्या किया है, इस पकड़ने के चक्कर में इतना IRCTC 1700 से 6000 के लेवल तक भाग गया। IRCTC 1700 से 6000 के लेवल तक भाग गया, इसका PE 250-300 हो गया इसका वैल्यूएशन। मीन इतना फोबिया बनाया गया कि ये ऊपर 6000 तक। अब हुआ क्या है दोस्तों, इधर पे अगर मैं दिखाऊं, पिछले 3-4-5 महीने से ना म्यूचुअल फंड हाउसेस जो है ये इसमें स्टेक कम कर रहे थे। मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, IRCTC के 2 वीडियो, उसमें मैंने ये सब बताया है। उसके अंदर ये लोग अपना स्टेक चर्न आउट कर रहे थे, कट डाउन, स्लो कट किए जा रहे थे। अब दोस्तों इससे आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, कि ये जो बड़े बड़े हाउसेस हैं ये क्यों कट कर रहे थे अपना स्टेक पहले से? अगर IRCTC इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है, कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग अपने इनके बिजनेस में कुछ खराबी होने से कर रहे थे, ये सिंपल सादी एक पूरा का पूरा बड़े ऑपरेटर्स ने छोटे ऑपरेटर्स को फंसा दिया है दोस्तों। और इसमें SEBI को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इसमें बहुत बड़ा गेम हुआ है IRCTC में। जो भी बड़े बड़े हाउसेस हैं ये बड़े लेवल पे, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए दोस्तों एकदम से, और छोटे इन्वेस्टर्स को फंसा दिया दोस्तों। यहाँ पे आप IRCTC का चार्ट देखना, जो 6000 के बाद IRCTC 4000 तक गिरा है ना दोस्तों, पूरा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, ऊपर तक चढ़ाया गया दोस्तों, और वहां से निकल गया। छोटे इन्वेस्टर्स को तो खबर होती नहीं है, बड़े इन्वेस्टर्स, रिटेल ऑपरेटर को दोस्तों ये सब की खबर होती है दोस्तों, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं, मैंने यहाँ मार किया एग्जिट ऑफ म्यूचुअल फंड एंड बिग प्लेयर्स, यहाँ एग्जिट ले लिया। कहाँ पे एग्जिट लिया, ये 6000 के बाद से ये चीज शुरू हो गई थी, और 6000 के पहले भी थोड़ा थोड़ा ये सब शुरुआत थी। शेयर्स डम्ड ऑन स्मॉल इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर पे शेयर को बड़े प्राइस पे डम्प, बहुत लोग 6000 पे एंट्री कर गए। क्या करेंगे दोस्तों, अभी तक वो लोग फंसे हुए होंगे दोस्तों। बहुत ही सीरियस मैटर है, वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा इसके ऊपर। मैंने पूरा इवेंट को यहाँ पे लिया है कि क्या क्या हुआ है। अब क्या होता है दोस्तों, बीच में ये जो है ना, ये बीच में मीन्स ये जो 6000 के ऊपर शेयर जा रहा है इसके आसपास, यहाँ पे एक न्यूज बनाई जाती है, स्प्लिट न्यूज। स्प्लिट न्यूज क्या बोलता है, अगर 4-5 हजार रुपए का आपके पास एक शेयर है, IRCTC ने बोला हम उसको 1:5 में, एक शेयर को 5 हिस्सों में बांट देंगे, उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। मतलब 5000 का शेयर 5 हिस्सों में बटेगा, एक शेयर का 1000 रुपया, इससे कोई आपकी वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी, ये शेयर बढ़ गए ऐसा नहीं है, लेकिन आपके शेयर तो बढ़े लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5000 ही है दोस्तों, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, ऐसी स्प्लिट न्यूज लाई गई, स्प्लिट न्यूज में लोगों का ध्यान इसी में फंसा रहा, स्प्लिट न्यूज में लोगों का ध्यान फंसा रहा। अच्छी अच्छी न्यूज तो IRCTC में दिखाई रही थी, अब जब गिरने लगा, अब लोगों को क्या लगा कि IRCTC तो मोनोपोली है, ऊपर भाग ही रहा है, ये 6000 से पूरा छप्पर फाड़ देगा,
यहाँ पे मैंने भी अपने वीडियो में बताया कि आई सी टी का टारगेट तो ऊपर जा सकता है, लेकिन कोई भी शेयर ऊपर ही नहीं भाग सकता, करेक्ट होगा, उसकी वैल्यूएशन मार्केट डिसाइड करेगा। अब स्प्लिट न्यूज में क्या होता है दोस्तों, बहुत से नए इन्वेस्टर्स को स्प्लिट के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको बता दिया मैंने, जैसे पांच एक शेयर पांच हिस्सों में बट गया यहाँ पे आई सी टी सी का 1:5 का। अब होता क्या है स्प्लिट न्यूज में दोस्तों, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक फोबिया हो जाता है कि मेरे पास पांच शेयर आ गया है, अब आया सीटीसी तो 6000 तो पहुंच जाएगा, अब ये फिर से डिवाइड होने के बाद फिर पहुंच जाएगा ऊपर, बहुत ही अच्छी। ये न्यूज में लोगों को फंसाया गया, लोगों को समझ नहीं आया गया कि बड़े प्लेयर यहां से एग्जिट हो रहे हैं और हम फंस गए हैं। ये अब यहां देखिए, यहां से ना अब पूरा का पूरा मेन इवेंट खुलना शुरू होता है दोस्तों, यहां से जो फंसे हैं ना लोग, 28 अक्टूबर को आईआरसीटीसी 1:5 में स्प्लिट हो गया। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको इस जगह पे आपको आके बताऊं, देखिए यहाँ पे 817 में आईआरसीटीसी स्प्लिट हो गया पांच हिस्सों में यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। अब स्प्लिट होने के बाद आईआरसीटीसी में सॉरी ठीक है आईआरसीटीसी 817 के लेवल पे स्प्लिट हो गया। अब होता क्या है दोस्तों, 28 अक्टूबर के 3:30 बजे जैसे मैंने आपको बताया, मतलब बाद में मार्केट क्लोज, देखिए दोस्तों आप कितना प्लान्ड है ये, कैसे ऊपर लेके जाया जा रहा है, कैसे एग्जिट हो रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग करके, कैसे बीच बीच में न्यूज लाया जा रहा है कि लोगों को पता ना चले, छोटे इन्वेस्टर को कुछ अच्छी अच्छी न्यूज लाया करो बीच में, स्प्लिट की या आईआरसीटीसी। मैंने भी बीच में देखा आईआरसीटीसी कोई पॉड लॉन्च कर रहा है जिसमें सो के लोग अपना आराम ले सकते हैं, मतलब ये सब न्यूज लाया जा रहा है। दोस्तों क्या लगता है, इतना बड़ा डिसीजन क्या एक ही दिन में लिया गया है, पूरा प्लान्ड है, प्लान्ड था ये कि क्या करना। देखिए ना 3:30 बजे मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद भी लोग कुछ कर ही ना पाए, ये न्यूज लाया जाता है कि प्रॉफिट शेयरिंग होगा कन्वीनियंस फी में। अब देखिए जाहिर सी बात है ये न्यूज लोगों को अच्छी नहीं लगी, मुझे भी अच्छी नहीं लगी, ठीक है। अब हुआ क्या है यहां पे दोस्तों, इस जगह पे नेक्स्ट डे 29 अक्टूबर आईआरसीटीसी धड़ाम से 639 तक गिरता है। अब यहां पे ना दोस्तों इस जगह पे क्या हुआ है, इस जगह पे आप लोग कह सकते हो एक फरिश्ता बन के आया लोगों के लिए यहां पे दीपम। दीपम क्या है दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को समझाता हूं इस जगह पे, यहां पे दीपम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डील्स विद ऑल द मैटर्स रिलेटिंग विद मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंक्लूडिंग डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर। दीपम जो है ना, दीपम जितनी भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है इसे डिस इन्वेस्टमेंट, अभी जैसे आप लोगों को पता होगा गवर्नमेंट का प्लान चल रहा है LIC का IPO लाने का, और जितनी भी गवर्नमेंट की बहुत सी कंपनी उनको प्राइवेटाइज करने का, डिस इन्वेस्ट करने का उसको, तो दीपम है ना इक्विटी रिलेटेड डिस इन्वेस्टमेंट और ये सब को ना मीन्स इसके ऊपर देखरेख करता है इस चीज को ऑल मैटर। तो दीपम ने यहां क्या किया दोस्तों, दीपम ने यहां देखा कि माइनॉरिटी होल्डर्स जो हम हैं रिटेलर शेयर होल्डर, इनके साथ सही नहीं हो रहा है, तो दीपम ने ना यहां पे इंटरफेरेंस किया यहां पे और कहा, यहां पे सेंट्रल मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को कहा कि रिवर्सल ऑफ आईआरसीटीसी कन्वीनियंस फी, दीपम द न्यू प्रोटेक्टर ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर। दीपम ने बोला कि नहीं ये सही नहीं है, इस चीज को आप लोग होल्ड कीजिए, दिस इज नॉट गुड, ये आप माइनॉरिटी होल्डर्स के इंटरेस्ट को नहीं एकदम कंसिडर करके आप ये चीज नहीं कर सकते हैं यहां पे। यहाँ पे देखिए, यहां अगर देखेंगे आप इधर पे इस जगह पे, इट इज रीअश्योरिंग दैट दीपम सेक्रेटरी तुहिन पांडे, जो फरिश्ता है तुहिन पांडे, सेड दैट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी होल्डर शुड बी केप्ट इन माइंड, दिस वाज अ स्ट्रांग मैसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द करेक्ट मैसेंजर वाज सिलेक्टेड फॉर दिस मैसेज, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों गवर्नमेंट ने, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा दोस्तों, इसीलिए पीएसयू कंपनीज जो होती है गवर्नमेंट कंपनी, ये क्यों प्रॉफिट नहीं करती है, ये क्यों नहीं ऊपर जा पाती है, लीडरशिप की प्रॉब्लम यहाँ पे सीधी सीधी दिख रही है। इतना बड़ा डिसीशन लीडरशिप का सिर्फ 200 करोड़ के प्रॉफिट के लिए, रेवेन्यू के लिए दोस्तों, ये जो कन्वीनियंट फी की शेयरिंग मिल रही है 200 करोड़ के प्रॉफिट के लिए, आईआरसीटीसी का मार्केट कैप जो 1,00,000 करोड़ छू गया था, वो वहां पे 18,000 करोड़ मार्केट कैप क्रैश हो गया, मीन खाक निकल गया ये इस एक गलत डिसीजन के वजह से दोस्तों।
तो सोचिए आप, ये लीडरशिप प्रॉब्लम है या नहीं है दोस्तों, ये आप कमेंट में मुझे बता देना इस चीज को लेके। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, लीडरशिप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 99-95% इज लीडरशिप, 5% इज शेयर प्राइस एंड अदर थिंग्स, ठीक है। अब दीपम के इंटरफेरेंस की वजह से ये डिसीजन टल तो गया दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, मैं और आपको बताता हूँ इधर पे। अब गवर्नमेंट कैंसल्स प्रॉफिट शेयरिंग डिसीजन, ठीक है। जैसे ही गवर्नमेंट ने प्रॉफिट शेयरिंग डिसीजन कैंसल किया, तो स्टॉक जो है, स्टॉक ने रिकवरी लिया। कितनी रिकवरी लिया, यहां पे अगर हम आएंगे, स्टॉक ने रिकवरी लिया 840, स्टॉक क्लोज हो गया 842 पे, लेकिन फिर भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ क्लोज हुआ, 7.74% के डाउनफॉल के साथ जो ओपनिंग थी उसकी। तो ये जो 7.74% है ना, ये जो भी रिकवरी हुई है, बताता है कि लोगों में नेगेटिव सेंटीमेंट IRCTC को लेके बन गया, और अब लोग डर चुके हैं कि यहाँ कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस जगह पे, स्टॉक रिकवर्स विद नेगेटिव सेंटीमेंट, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया स्टॉक रिकवर्स यहाँ पे मैंने। अब यहाँ पे दोस्तों, लोगों को नेगेटिव सेंटिमेंट क्यों बना, ठीक है, चलो न्यूज तो आपने, स्टॉक स्प्लिट होने के बाद ना दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में है ना नेगेटिव दिखाएगा, जब तक स्टॉक नहीं आएगा। जो भी नए लोग हैं ना, आप लोगों को ऐसा लगेगा, अरे बाप रे, ये तो मेरा 4000 का स्टॉक करेक्ट हो गया, अब 900 दिखा रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा। लेकिन स्टॉक का स्प्लिट होने का, आपके 1:5 स्टॉक आ रहे हैं, जिसके पास एक है वो 5 हो जाएगा, जिसके पास 2 है वो 10 हो जाएगा, आप 5 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है दोस्तों। तो वो आने में वक्त लगता है। अब जब तक वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं आता है, आपके डिमांट अकाउंट में नहीं आता है दोस्तों, आप उसे बेच भी नहीं सकते। मीन्स कितना गलत हुआ है दोस्तों, बताइए आप। ये सब न्यूज़ बनाया गया, ऊपर लेके गया गया, फिर स्प्लिट डेट लाया गया, और फिर ये न्यूज़ लाया गया प्रॉफिट शेयरिंग का, स्टॉक में इतना करेक्शन लाया गया। अब जिन्हें निकलना है वो निकल भी नहीं सकते, क्योंकि स्टॉक तो आपके पास है नहीं। अब ये स्टॉक कब आएगा, मंडे ट्यूसडे आ सकता है, 2-3 दिन लगते हैं, या उससे भी 1-2 दिन और ज़्यादा लग सकता है। नो चांस टू एग्जिट, ये बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही खराब न्यूज़ है दोस्तों। ये मुझे भी बहुत ही खराब लगा, ये कैसा डिसीजन लिया है मिनिस्ट्री ने। मीन्स ये जो है, इसने IRCTC में नेगेटिव सेंटीमेंट्स बना दिया दोस्तों, इसने IRCTC में नेगेटिव सेंटीमेंट्स बना दिया। ऑलरेडी PSUs को लेके लोगों के सेंटीमेंट्स अच्छे नहीं थे हमेशा। मैं खुद भी PSU में इन्वेस्ट नहीं करता हूं दोस्तों, IRCTC एक शेयर है बस, ठीक है। अब इसमें मेरा दोस्तों क्या डिसीजन होगा दोस्तों, देखिए मैं भी बहुत कन्फ्यूज हो गया हूँ। अब इसमें मेरा डिसीजन क्या होगा कि IRCTC को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या इसमें से कुछ बेच दो, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसका डिसीजन जो भी लेंगे हम, फाइनेंशियल रिजल्ट IRCTC का क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो 1 नवंबर को आने वाला है, मीन्स आने वाले मंडे को, ठीक है। हम सब उसका वेट करते हैं कि रिजल्ट है, कि मुझे तो ज़्यादा लग रहा है रिजल्ट अच्छा ही आएगा, फिर भी मैं उसका वेट करूँगा। मार्केट उस पर क्या रिएक्ट करता है वो देखूंगा, और उस रिएक्शन के ऊपर ही मैं इस पर डिसीजन लूंगा दोस्तों। आज कोई टारगेट विरगेट की बात हम यहाँ कर नहीं सकते, टेक्निकल फंडामेंटल आपका सब फेल हो जाता है दोस्तों, अगर इस टाइप का मैनिपुलेशन हो जाए तो। यहाँ पे CB को इस मैटर को देखना चाहिए, जब ये स्टॉक बढ़ा वहाँ से किन लोगों ने एग्जिट ले लिया, जब ये स्टॉक नीचे गिरा वहाँ पे किन लोगों ने खरीदा। हर जगह बड़े प्लेयर्स ने फायदा लिया है, छोटे इन्वेस्टर्स को फंसाया दोस्तों। बहुत ही दुख की बात है दोस्तों ये, कि यहाँ पे तो कोई टेक्निकल फंडामेंटल आपका काम नहीं करेगा। अगर ऐसा चीज़ हो जाएगी तो आप क्या कर लोगे, टेक्निकल फंडामेंटल देख के भी, फंडामेंटल तो अच्छा था, टेक्निकल भी बढ़िया दिखा रहा था। अब ऐसी चीज़ हो जाएगी ना, मैं कुछ कर सकता हूँ ना, जब तक जिसके पास कोई अंदर की खबर ना हो कोई भी इससे बाहर नहीं आ सकता दोस्तों। होप दोस्तों कि मैंने IRCTC के बारे में आपको समझा दिया होगा जितना मेरी कैपेसिटी थी समझाने की। बाकी दोस्तों आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछो, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की दोस्तों, ठीक है। बाय दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट IRCTC में क्या होता है देखेंगे। 1 नवंबर को रिजल्ट आने दो, आप लोग भी रुको, कोई नया इन्वेस्टमेंट मत करो, और जिनके पास है वो भी होल्ड करो, फिर बाद में देखते हैं, एक वीडियो और बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।